हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को देखा कि क्या होता है ये। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता, हम लोग जो बचपन में करते आए हैं गुणनखंडन, जो अभाज्य गुणनखंडन जो करते आए हैं, कोई भी आपको प्राकृतिक संख्या दी हो, बड़ी हो, 1000, 2000, 400, 500, कुछ भी, तो अभाज्य गुणनखंडन जो करते थे और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते थे, वही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या आपको अगर दी हुई है तो उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा उसका केवल और केवल एक तरीका होगा, ये यूनिक होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। जैसे आप 1000 का अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे तो वो एक तरीका होगा, 100 बच्चों की क्लास में अगर दिया जाए कि 1000 का अभाज्य गुणनखंडन लिखो, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखो, तो सबका सेम आएगा। अगर उनका जो है क्रम बदल सकता है बस, अगर क्रम को मायने ना रखा जाए कि पहले कौन सा नंबर है कौन सा नहीं, यानी अगर बढ़ते क्रम में लिखा जाए या घटते क्रम में लिखा जाए, तो वो केवल और केवल एक तरीका होगा। तो यही होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसका हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। इसका एग्जाम्पल 5 जो आपके बुक में दिया है, एग्जाम्पल 5 ये क्या है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है, क्या n का ऐसा मान है जिसके लिए 4n जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है, हम लोग एकदम बहुत स्लोली इंक्रीज करेंगे। 4n कोई नंबर है, 4n और n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये जो गिनती वाली संख्याएं होते हैं 1, 2, 3 से ये सब लेके 1000, 1001, ये जो ये सारी गिनती की संख्याएं, इसी को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या। जो गिनती की संख्याएं अपनी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101, 102, 103, 1000, 1001, 1000, वो बढ़ती चले जाओ, वो सारी क्या बोली जाती हैं, प्राकृतिक संख्या। तो 4n कोई नंबर है और n की वैल्यू क्या है, अलग अलग हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 10,000, 10 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी प्राकृतिक संख्या बदल बदल के हो सकती है। तो n का जैसे जैसे वैल्यू बदला जाएगा तो 4n जो नंबर आएगा आपका, जो ये 4n है, ये 4n ये नंबर क्या होगा, मान लीजिए अगर n बराबर रखते हैं 1 तो ये क्या हो जाएगा, 4n, अगर n बराबर 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 4n 4 2, n बराबर अगर 10 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 4n, n बराबर अगर 1500 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 4n 1500। यानी अगर प्राकृतिक संख्याएं आप बदल बदल के रखते जाएंगे तो ये 4n प्राकृतिक संख्या आएगा। तो ये तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 4n क्या, 4n n प्राकृतिक संख्या है, तो n की वैल्यू जैसे जैसे आप 1 से लेके कुछ भी प्राकृतिक संख्या रखोगे तो उसकी वैल्यू बदलेगी, और ये वैल्यू 4n 4 2 4 कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक नंबर आएगा, 4n कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे 4n 1500 का मतलब कि 4 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 4 1500 बार, 4n 2 का मतलब 4 4 2 बार, 4n 10 का मतलब कि 4 कितनी बार गुणा है, 10 बार,
जो 4 का पावर n जो सारे नेचुरल नंबर है वो आप प्राकृतिक संख्या n की वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो ये कह रहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो, यानी 4 के पावर n की जो वैल्यू है क्या कोई ऐसा संख्या है n की मान n की वैल्यू कि जिस पे 4 के पावर n को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर आए उसके अंतिम स्थान पे क्या है, 0 आए। ये हमको चेक करना है और इसमें हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको। आपको पता है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 है तो 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये तो पता है 5 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट प्लेस पे 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, इतना कंफर्म। अब 4 के पावर n को हम लोग देखते हैं, 4 के पावर n इसको क्या देखते हैं, 4 को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं 2 × 2 इसके होल पावर n, ऐसे हो गए। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 2 के पावर 2 के होल पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 n, आप ऐसे समझ लीजिए। 4 को हमने क्या किया 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 × 2 का मतलब क्या, 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का होल पावर n। तो हम लोगों को ये फार्मूला पता है कि अगर a के पावर m के होल पावर n हो तो क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n, ये मल्टीप्लाई हो जाता है पावर a के पावर m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 n, यानी हमारा जो 4 के पावर n होगा ये 2 के पावर 2 n। 2 के पावर 2 n का मतलब क्या होगा कि 2 के पावर 2 n, जैसे मतलब 2 के पावर n की वैल्यू आप 10 रखे तो 2 के पावर 20 आ गया, तो 2 के पावर 20 का मतलब क्या, 20 बार मल्टीप्लीकेशन। तो ये 2 के पावर 2 n का मतलब क्या है, 4 के पावर n को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 के पावर 2 n। तो n की आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, n की एक वैल्यू के लिए 2n एक वैल्यू देगा, n की वैल्यू 10 करोड़ रखोगे तो ये 20 करोड़ हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 20 करोड़ बार, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 × 2 × 2 × 2 किसी भी n के लिए 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई है, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये 2n बार। आपका नंबर यही तो आएगा 2 × 2 × 2, ये 2n, n की वैल्यू बदलेंगे तो 2n की वैल्यू बदलेगी, n की वैल्यू 10 रखोगे तो 20 बार, यानी हमेशा जो है इसके अभाज्य गुणनखंडन में आप देखिए 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 4 के पावर n का जब अभाज्य गुणनखंडन हम लोग लिख लिए तो इसमें 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। जबकि हमको पता है कि अगर अंक 0 पे समाप्त होगा तो उसमें 5 होना जरूरी है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन में अगर 5 आएगा तभी वो नंबर जो है 0 पे समाप्त हो सकता है। तो आप ये देखिए 4 के पावर n में कभी भी जो है हमेशा 2 × 2 अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें एक लाइन लिख देता हूं मैं, कि 4 के पावर n को ऐसे लिख लिया हम लोगों ने 2 के पावर 2 n, और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 × 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 n बार, n की वैल्यू जैसे जैसे बदलेंगे ये बदला जाएगा। तो 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं है।
दो के अलावा और कोई ऐसा लिख देंगे, दो के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो दो 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 आपस में मल्टीप्लाई होके कभी भी जीरो नहीं बना सकते, उसके लिए क्या होना, पांच का होना जरूरी है। अभाज्य गुणनखंडन में अगर पांच नहीं है तो नंबर कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन में तो पांच होना ही चाहिए। तो 4n के अभाज्य गुणनखंडन में दो के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, अतः 4n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए n के अभाज्य गुणनखंडन में पांच आना जरूरी है, शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 4n के अभाज्य गुणनखंडन में पांच आना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज तो आप कैसे भी लिख सकते हैं कि 4n को आप 4n को 2 और 2n हो गया, तो उसका जब अभाज्य गुणनखंडन तो 2 ही मल्टीप्लाई में रहेगा। दो 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 मल्टीप्लाई 10 करोड़ बार मल्टीप्लाई करो, 1 अरब बार मल्टीप्लाई करो, 100 बार सारे नेचुरल नंबर को ट्राई करो, लेकिन जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 0 अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो 5 उसके अभाज्य गुणनखंडन में आना जरूरी है, क्योंकि 5 से वो डिवाइड होगा ना तभी 0 आएगा। 0 से संख्या हम लोग उल्टा समझते हैं कि 0 अगर आएगा तो 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 उसके अभाज्य गुणनखंडन में आएगा तो 5 उसके अभाज्य गुणनखंडन में आ नहीं रहा है, इसीलिए 4n कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो ये पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, पहला एग्जांपल था, इसका और एप्लीकेशन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।